केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में 13 साल की एक दलित नाबालिग लड़की की पेड़ से लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि उक्त बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के बाद हत्या आरोपियों ने उसे पेड़ पर लटका दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम से भेजकर अन्य विधिक कार्यवाही शुरू की है, लेकिन पुलिस इस मामले में दुष्कर्म होने की बात सिरे से खारिज कर रही है। पूरा मामला मैं यहाँ से गई तो उसमें कोई मार के मेरी बच्ची को टांग दिया था। मैं यहाँ से गई तो एक औरत एक आदमी था, उसको खोल के लेके आती तो उससे मदद मांगी मेरी बच्ची को वहाँ पहुँचा दे, मेरी बच्ची नहीं, तो वो बोली कि मैं ऐसे काम में नहीं करती, मैं तुम उसके घर से आती हो, मैं जा रही हूँ उसके घर में बता देते। पूरी घटना जामो थाना क्षेत्र की है, जहाँ एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर से शाम को बकरी चराने गई थी। काफी देर तक जब वो वापस घर नहीं लौटी तो उसकी बड़ी बहन उसकी तलाश में निकली। सीगो ताल के पास छोटी बहन का शव एक पेड़ से लटकता हुआ मिला, जिसे उतार कर वो अपने घर पर ले गई। मृतक नाबालिग बच्ची के परिजनों का आरोप है कि किसी ने लड़की को मारकर फांसी पर लटका दिया। उसके शरीर पर जख्म के निशान है और प्राइवेट पार्ट में खून बह रहा है। पिता का कहना है कि किसी के द्वारा फांसी लगाई गई है, क्योंकि पेड़ सीधा है, उस पर अगल बगल डाल नहीं निकली हुई है जिस पर वह बैठकर स्वयं फांसी लगा लेती। हमको इस बात की आशंका है कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है और उसको मारकर फांसी से लटका दिया गया। 4 फुट के करीब में उसका वो जो दुपट्टा था उसको बांधा गया था, उसके गले में वही दुपट्टा बांधा गया था, एक गांठ लगी थी दोनों में, और उसके बाद उसका पैर जो था वो भूमि पर छू रहा था, स्पर्श कर रहा था। और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, अपना वो जो काम है वो अपना करके गई। बाकी उनके एक दादी हैं, वो बताई कि जब उनका लड़की का कपड़ा चेंज किया गया तो उसमें ब्लड लगा था, लेटरिंग हो गई थी, प्राइवेट पार्ट में सूजन थी, ब्लड निकल आया था, ये सब उनकी दादी बताई जब कपड़ा चेंज की। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह का कहना है कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने किशोरी का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फांसी लगने से किशोरी की मौत होने की वजह सामने आई है। खुलासे के लिए पुलिस ने 4 टीमें लगाई हैं। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, फांसी लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके शरीर पर चोट का कोई बाहरी निशान नहीं पाया गया है। यौनिक हमले, सेक्सुअल असाल्ट, रेप का कोई भी चिन्ह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं प्राप्त हुआ है। हमारी टीमें मौके पर सक्रिय हैं। हर छोटे से छोटे तथ्य को हमारी फोरेंसिक टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, SOG की टीम और थाने की टीम विश्लेषित कर रही है और हम हर तथ्य की गहनता के साथ समीक्षा करते हुए घटना के हर तथ्य का बड़े बारीकी से अनुसंधान करते हुए सभी तथ्यों का अनावरण करने के लिए प्रयासशील हैं, ताकि यथाशीघ्र हम सभी तथ्यों को प्रकाशित करते हुए यथोचित वैधानिक कार्रवाई करें। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और मृतक परिजनों को सांत्वना देने के लिए भाजपा का एक डेलीगेशन भी भेजा है उनके गांव में, और साथ ही पुलिस अधिकारियों को इस मामले में उच्च जांच के आदेश दिए हैं। जामो से 944 के लिए रत्नेश अग्रहरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।